नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां फिर से उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट इशू पर बात करते हैं, 69,000 टीचर भर्ती। ये भर्ती इस कदर शुरू हुई पता नहीं किस मुहूर्त में, आज तक अटकती ही चली आ रही है। लेकिन इसकी एक जो बड़ी बाधा थी वो दूर हो गई है, तो इससे इसके आगे के चांस और आगे की बाधाएं दूर होने का अवसर भी हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। तो यह इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बड़ी बाधा है जो दूर हो चुकी है। और इसी बीच एक चीज और बता देता हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो करीब 7,500 के आसपास मल्टी टास्कर्स की भर्ती करने जा रही है, और ये सभी डिपार्टमेंट्स में, इवन दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं आए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, जब आएंगे तो आपको मैं इसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। फिलहाल यहां बात कर लेते हैं 69,000 टीचर्स भर्ती के बारे में। एक्चुअल में मामला कोर्ट में चलता आ रहा है और एक के बाद एक रिट लगती आ रही। तो पहले सरकार ने क्या किया था, जो इसमें इसकी जो आंसर की में प्रॉब्लम थी उसको लेकर के जो याचिकाएं थी उनको खारिज किया गया। और उसके बाद लेकिन एक बड़ा बैरियर और आया था, वो ये था कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके थे और जो लोग सेलेक्ट होने से पहले अपने आवेदन में गलतियां कर चुके थे उनको लेकर के भी याचिकाएं लगी थी। अब ये बात ध्यान से सुन लेना कि आपने अगर इस तरह का कोई याचिका लगाई हो तो आप किसके साथ अटैच हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ कोर्ट ने फैसला दिया है कि गलतियां सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तर्क क्या था, तर्क ये था कि आवेदन के समय और शासन आदेश में ये क्लियर था कि फॉर्म भरने के टाइम जो गलती हो जाएगी उसको सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अब गलतियां कैसी कैसी थी, किसी ने अपने इंटर के, बीए के या बीएड के अंक गलत भर दिए हों, माता की जगह पिता का नाम, पिता की जगह माता का नाम गलत कर दिया हो, या और भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको लेकर के कोर्ट ने कह दिया कि इनको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब अंकों की जो गलतियां थी उनका खामियाजा तो उनको डायरेक्ट भुगतना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने फादर की जगह मदर का नाम, मदर की जगह फादर का नाम कर दिया, तो भाई उनके सिलेक्शन होते हुए बाहर वो इसलिए हो जाएंगे महज क्योंकि उन्हें, अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपके फादर के नेम से रिजर्वेशन की कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। न्यायमूर्ति श्री जे जे मुनीर ने ये डिसीजन दिया है, और रुखसार खान वाले मामले में जो लोग अटैच हैं वो लोग इस बात को गौर करें क्योंकि खास करके इस मामले में डिसीजन आया है। बाकी और जो अटैच कहीं और थे, जो कोई और डिसीजन था उसके बारे में यहां मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल गलतियों से संबंधित जो डिसीजन था वो ये था। तो अब ये बाधा भी पार हो गई है, हो सकता है 69,000 भर्ती के दिन सीधे आए और फिर ये भर्ती कंप्लीट भी हो सके। बाकी फिलहाल ऐसा कहीं कोई चांस लग नहीं रहा है तमाम प्रयासों के बाद भी कि ये भर्ती कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी किसी जानकारी के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।